आज तक आए हुए पेपरों में के सारे क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो देखिए तुमको कितने आते हैं और जो जो नहीं आता वो लिखते जाना है, ठीक है, साथ में बोलते भी जाना है। करें शुरू। भारत के प्रमुख बांध, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? लिखो, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध, जल्दी जल्दी लिखो। देखें, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध और उस बांध का नाम है टिहरी बांध। कौन सा बांध है? अरे बोलो जोर से, कौन सा बांध है? टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? अरे बोलो भाई, हाँ लिखते भी जाओ और बोलते भी जाओ। टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? अच्छा, आपको लिखने में थोड़ा देरी लग रही होगी, हाँ क्या लिख लोगे? हाँ ठीक है, लिखो फिर। टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? भागीरथी नदी पर। कौन सी नदी पर है? बोलो जोर से, कौन सी नदी पर है? अभी भी नहीं बोल रहे। अरे कौन सी नदी पर है टिहरी बांध? कौन सी नदी पर बना हुआ है? भागीरथी नदी पर बना हुआ है। भागीरथी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? भागीरथी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? सेम ही क्वेश्चन है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टिहरी बांध किसके संगम पर स्थित है? सन्नाटा, सन्नाटा छा गया है। टिहरी बांध किसके संगम पर स्थित है? भागीरथी और विलांगना के संगम पर। किसके संगम पर है? भागीरथी और, अरे बोलो जोर से, टिहरी बांध किसके संगम पर स्थित है? अरे बोलो जोर से, भागीरथी है वो, विलांगना नदी जिस पर काटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है, उस नदी का नाम बताओ जिस पर काटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है, और उस नदी का क्या नाम है? बोलो जोर से, मैंने सुनिया, जोर से बोलो। हा, काटेश्वर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? भागीरथी नदी पर बनाया जा रहा है। सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? अरे सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? लिखो भाई, सरदार सरोवर बांध सीधा लिख लो शॉर्टकट में, सरदार सरोवर बांध डैश लगा के नर्मदा, समझ गए? अब तुमको पता है नर्मदा तो नदी है, नर्मदा क्या है? नदी है। उच्चतम न्यायालय द्वारा एक बहुमत निर्णय के अनुसार नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस ऊंचाई तक करने की अनुमति दी गई थी? 88 मीटर। कितनी? तो तुमने जो लिखा नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? सरदार सरोवर बांध, और आगे उसकी ऊंचाई लिख लो 88 मीटर। सीधा सिंपल सा, समझ गए? अगला क्वेश्चन, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है? इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है? और इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी थी। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? अरे बोलो जोर से, नर्मदा नदी पर। किस नदी पर? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी से संबंधित नहीं है? ये तो क्वेश्चन तुम्हारे लायक नहीं है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? बताओ, देखिए ये तुम ऐसे भी बता सकते हो। बताओ, देखिए नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? हाँ, किस पे बना है? कृष्णा, तुझे पता था ये? वाह, कृष्णा को तो पता ही था ये तो, है? अच्छा, कृष्णा लड़के का भी नाम है, लड़की का भी नाम है? बताओ, कृष्णा कुमार कर दिया तो लड़का, और कृष्णा कुमारी कर दी तो लड़की। भाई वाह, क्या कृष्णा है,
मैंने बोला कृष्णा तुझे पता है, दो ने बोला हाँ, लड़का और लड़की दोनों ने। बहुत बढ़िया, तो दोनों याद कर लेना, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? कौन से प्रदेश में? अरे कौन से प्रदेश में? नागार्जुन सागर बांध भारत के कौन से राज्य में स्थित है भाई? और कौन सी नदी पर है ये? कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। अगला क्वेश्चन, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी पर। कौन सी नदी पर? अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर। नागार्जुन बांध वो भी कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध कौन से राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है, याद रखना ये बात। सबसे विशाल चिनाई बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? अरे सबसे विशाल बांध, चिनाई बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है भाई? कृष्णा नदी पर हुआ है। किस नदी पर हुआ है? पक्का? अरे किस नदी पर हुआ प्रभु? कौन से बांध का? कौन से बांध का? चिनाई बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? कृष्णा नदी पर हुआ है। कृष्णा नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध निर्मित किया गया है? तो तीन बांधों के नाम बताओ आप कृष्णा नदी पर। एक तो नागार्जुन सागर बांध, दूसरा चिनाई बांध और तीसरा अलमाटी बांध। ये तीन बांध किस नदी पर है भाई? कृष्णा निम्नलिखित में से कौन सा बांध निर्मित, और चौथा बांध है श्री सेलम बांध। ये चौथा बांध है, तीन तो मैंने बताया, चौथा बांध कौन सा है लिख लो। ये कृष्णा नदी के आगे चार बांध इंपोर्टेंट है कृष्णा नदी पर। एक बार चारों के नाम, पहला कौन सा है? नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर पहला बांध कौन सा है? दूसरा अलमाटी, तीसरा चिनाई और चौथा श्री सेलम। ये कौन सी नदी पर है चारों बांध? अरे बोलो कौन सी नदी पर है? भारत में सबसे लंबा बांध, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? कौन सा है भारत में सबसे लंबा बांध? कौन सा है? हीराकुंड बांध। अगला क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? हीराकुंड बांध जो कि भारत में सबसे कौन सा बांध है? ये लंबा बांध है। और ये कौन सी नदी पर है भाई? जल्दी बताओ, देखे पक्का कौन सी नदी पर है? अरे हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है? तो तेरे पड़ोसी को जगह के बता महानदी। हाँ इसको वो सो रहा, उसको पता ही नहीं है महानदी कहां चली गई है। निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत टिक्का, टिक्करपारा और नरोज बांधों का निर्माण हुआ? बताओ कौन सी नदी पर है टिक्करपारा और नरोज बांध? ये किस नदी पर है बताओ, देखें किस पर है? महानदी पर। और कौन सा बांध है? हीराकुंड। कौन सा है? हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है? और कौन सा बांध है? टिक्करपारा और नरोज। निम्नलिखित में से कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? एक ही बात बताओ, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? फांगड़ा बांध। कौन सा बांध है भाई? कौन सा बांध है? बिल्कुल सही पकड़े हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, फांगड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? फांगड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है और उस नदी का नाम है?
सतलज नदी, कौन सी नदी है? और ये भांगड़ा नांगल बांध कहां पर स्थित है? कहां पर है? पंजाब। पांच नदियों के संगम के कारण पंजाब का नाम पंजाब पड़ा है ना, यही कहानी है। तो फिर राजस्थान का नाम राजस्थान कैसे पड़ा भाई? है राजाओं के स्थान था ऐसा, तो क्या बाकी सब जगह राजा नहीं होते थे क्या? क्या शिकार है सुनते ठाकुर तू इनको? हाँ, राजस्थान में क्या है कि थान तान ज्यादा है, पापू जी का, गोगा जी का, भैरू जी का, बोले इतने थान है तो राजस्थान कर दो इसको। रेगिस्तान, वास्तविकता है रेगिस्तान से राजस्थान बना है। पोंग बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? निम्नलिखित यहां है नहीं, पोंग बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है किसको पता है? किसी को नहीं, कोई है जिसको पता है कि पोंग बांध कौन सी नदी पर है? नहीं, व्यास नदी पर। कौन सी नदी पर है? तुमने तुक्का तो लगाया लेकिन लगा नहीं, तुमने क्या लगाया था लेकिन वो तुक्का लगा नहीं। पोंग बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? व्यास पर किया गया है। रसम चंद्र ठाकुर तेरे नाम पे बनाएंगे एक बांध। बाण सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ? बाण सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ? सोन नदी पर। कौन सी पर है? अरे कौन सी नदी पर है? आवाज नहीं अभी। कौन सी नदी पर है? आवाज नहीं अभी। कौन सी नदी पर है? बाण सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? सोन नदी पर हुआ है। अभी आवाज आई है, ऐसे आवाज आनी चाहिए। मेजा बांध का निर्माण हुआ है किस नदी पर? मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? कोठारी नदी पर। कौन सी नदी पर? अरे मेजा बांध का निर्माण कौन सी नदी पर हुआ है? कोठारी नदी पर हुआ है। ये सारे के सारे बांध अति महत्वपूर्ण है, अगर ये सारे बांध याद हो गए तो एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई बांध आएगा, तो इनमें से आएगा, समझ गए? बाद में बांध नहीं आए और कोई पुलिया पुलिया आ जाए नए तो बात अलग है, बांध आएगा तो इसमें से आएगा। अब मान लो नया जमाना है, क्या पता बांध आए ना, मेट्रो वाले पुल आ जाए या गुफा आ जाए, क्योंकि अभी भी वो गुफा में कांड हो गया था तो उस चक्कर में क्या गुफा आ सकती है, क्योंकि गुफा वाला अभी ज्यादा चल रहा चर्चा में, लेकिन बांध आएगा तो इनमें से आएगा, बांध की गारंटी है। बांध अगर ये याद हो गए बात खत्म। अब वहां दे रहे ऐसा नहीं कि तू ये नाम सेम नाम की कोई गुफा जाए तो बांध वाला करके आ जाए, ठीक है? इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी और कोई टेंशन वाली बात नहीं। चले आगे, तो मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? ठारी नदी पर हुआ है। कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? कौन सा बांध? कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है भाई? एनी आइडिया? नो आइडिया? ओके, हम बता देते हैं। राम गंगा पर। कौन सी नदी पर है? कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? अरे जोर से बोलो भाई कि कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? राम गंगा। राम तेरी गंगा मेली है? अरे वो था ना एक राम तेरी गंगा मेली फिल्म, फिल्म थी ना गोविंदा की, राम तेरी गंगा मेली है, गंगा तेरी राम मेला। निम्नलिखित बांधों में से एक सिंचाई के लिए नहीं है, ये तो शिव समुद्रम। गोविंद वल्लभ सागर स्थित है उत्तर प्रदेश, कौन से प्रदेश में? ये बांध ध्यान रखना, गोविंद वल्लभ सागर क्या है ये? अरे क्या है ये? बांध नहीं, बांध। रसम चंद्र ठाकुर बोल बांध, हाँ तो बांध काहे बोल रहा है? बोल रहा बांध, हाँ वही मुझे लगा किसको बांधे, सुजल पाठक को बांध ले
गोविंद वल्लभ सागर बांध कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश बाबा की नगरी में, बाबा बुलडोजर वाले हैं। उन दो राज्यों के नाम बताए जिन्होंने किसौ बांध परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। कौन से बांध परियोजना पर है? लिखो देखे जल्दी से। उन दो राज्यों के नाम बताइए जिन्होंने किसाऊ बांध परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं, और उन दो राज्यों के नाम है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। इधर ड्यूटी करने कौन जाते तुमको पता है? आईटीबीपी वाले। तुम्हारी नौकरी लग जाएगी ना आईटीबीपी में, तो तुम्हें फिर बोलेंगे हिमवीर। आईटीबीपी वालों क्या बोलते हैं? हिमवीर बोलते हैं, क्योंकि वो बर्फीले क्षेत्र में ज्यादा ड्यूटी करते हैं। कहां करते हैं? इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स है ये। कौन सी है? इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स है, यानी भारत का जो तिब्बत से साइड से जो लगने वाला क्षेत्र है ना, वहां पर पुलिस के रूप में काम करती है। किसके रूप में काम करती है? पुलिस के रूप में काम करती है उधर, ठीक है। इसीलिए इसका नाम रखा गया है इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ठीक है। ये एक प्रकार की क्या है? आर्मड फोर्स है। कौन सी फोर्स है? CAPF। क्या ये? सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेस। CAPF में सारी जितनी भी ये पैरामिलिट्री फोर्स आती है ना, जो SSGD की भर्ती के द्वारा आती है, वो सारी आ जाती है केवल एक को छोड़कर। और वो एक कौन है? असम राइफल। कौन है ये? किस में आती है? ये पैरामिलिट्री फोर्स में आती है। जो तुम बाकी सबको बोलते हो ना, वो पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं है, वो आर्मड फोर्सेस है। और ये क्या है? पैरामिलिट्री। पैरामिलिट्री का मतलब होता है जिसका संचालन मिलिट्री द्वारा हो और वो मिलिट्री भी नहीं हो। तो इसमें क्या होता है, जो भी ऑफिसर होते हैं ना, वो किसके होते हैं? आर्मी के होते हैं। और ये ड्यूटी भी किसके साथ करते हैं? आर्मी के साथ करते हैं। इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो भी किसके अंडर होती है? आर्मी के अंडर होती है। लेकिन इन पे नियम लागू किसके होते हैं? गृह मंत्रालय के। जबकि आर्मी पर नियम लागू किसके होते हैं? रक्षा मंत्रालय के। अरे जो आर्मी है ना, अपनी तीनों सेनाओं की जो डिफेंस है, इस पे किसके का किससे होता है? रक्षा मंत्रालय से इनका काम होता है। जबकि जितनी भी CAPF है, इनका काम कहां से होता है? गृह मंत्रालय। समझ गया? तो जो इनके छुट्टी वाले सारे नियम तो कौन से लगते हैं? ये वाले। और ड्यूटी करते हैं ये इनके साथ, क्योंकि ये पैरा मिलिट्री है, मिलिट्री नहीं है। मिलिट्री होती तो सारा काम इनके साथ ही हो जाता, आर्मी के साथ ही। इसलिए इनका आधा अधूरा सा काम होता है। घर का बेदी वो क्या ना, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। घर का बेदी लंका डाय, ये तो पुरानी बात है। आजकल तो घर का बेदी लंका डायेगा क्या? लंका है ही नहीं, डायेगा क्या है? बोला मैं तेरे राज बता दूंगा। बोला मेरे तो राज है ही नहीं भाई। बोला नहीं, मैं तुझे है वो बता दूंगा। मैंने बोला मैं तो खुद ढूंढ रहा हूं, मेरा कोई राज मुझे मिल जाए तो बता दूं मैं लोगों को। है फकीर आदमी के क्या ही राज होंगे, समझ गए? चले आगे। अरे चले कहां? आगे चलो आगे। पर कब बेराज का निर्माण हुआ है? हुगली में पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखने के लिए। फरका जो बेराज, फरका बेराज का निर्माण हुआ किसमें? हुगली। क्या भाई? हुगली नदी में पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखने हेतु। हुगली नदी में पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखने हेतु फरका बेराज का निर्माण किस लिए हुआ भाई? हुगली नदी में पर्याप्त जल। तिल्या बांध ये नदी पर निर्मित है, यानी कौन सी नदी पर निर्मित है? तिल्या बांध। कौन सा बांध है भाई? अरे बोलो कौन सा बांध है? और ये कौन सी नदी पर है? सब अलग अलग बता रहे हैं। बराकर नदी पर। कौन सी नदी पर है? बराबर नहीं है। बोल रसामंद ठाकुर, बोल क्या नाम लिखा है? बराकर नहीं, बराकर। बहुत बराकर, फिर बराकर। बोल भाई बोल, बराकर। अब तू बोल आप जोर से, फिर बड़ा कर। अरे बड़ा नहीं है ये,
ये रहर है, बिहार में रेकॉर्ड है बोलते हैं बिहार में। हाँ और क्या, इसीलिए तो बोल रहा है वो, नहीं तो क्यों बोलेगा, उसकी थोड़ा ना गलती है। हाँ तेलिया बांध किस नदी पर है भाई, जोर से बोलो, कौन सी नदी पर है, कौन सा बांध है, कौन सा बांध है, तेलिया बांध। अगला क्वेश्चन, मैथोन बेलपड़ हाड़ी एवं तेलिया बांध किस नदी पर है, किस पर है, बराकर, कौन सी नदी पर है भाई, तेलिया तो हमने अभी पढ़ा था, इसके अलावा कौन सा है, बेल पहाड़ी और मैथोन, कौन से है, मैथोन और बेल पहाड़ी, लिख लिए, धड़ाधड़ लिखते जाओ भाई। अगला क्वेश्चन, दामोदर घाटी निगम की परियोजना में कौन से बांध शामिल है, यानी दामोदर नदी घाटी, दामोदर क्या नदी है ना के, अरे पता तुमको, हाँ तो कौन से बांध है भाई, केवल मैथोन और पंचेट, मैथान और पंचेट, लिखो देखे जल्दी से, दामोदर घाटी निगम की परियोजना में कौन से बांध शामिल है, तो दो बांध है, एक तो मैथोन और एक ही पंचेट भाई। निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बेतवा नदी पर बनाया गया है, बताओ देखिए, बेतवा नदी पर कौन सा बांध है भाई, कौन सा बांध है बेतवा नदी पे, हाँ कमांडो बता, राजघाट बांध, कौन सा बांध है, अरे बोलो कौन सा बांध है, कौन सी नदी पर है, कौन सी नदी पर है, कौन सा बांध है, राजघाट बांध है, कौन सी नदी पर है, एक बार फिर से पढ़ो, बेतवा नदी पर कौन सा बांध है, कौन सा बांध है, राजघाट बांध है। रानी लक्ष्मीबाई बांध स्थित है कहां पर है, बेतवा नदी पर, कौन सी नदी पर है, जोर से बोलो, रानी लक्ष्मीबाई बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, बेतवा नदी पर, खूब लड़ी मर्दानी वो तो, झांसी वाली, हाँ चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो, और क्या बोलते, बुंदेलो हर बालों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो, बहुत अच्छी है, मतलब जोश भरने वाली सी कविता है, बस उसकी दो चार लाइनें हैं जो मैं तुमको सुना देता हूँ, सुना दूं, जब मुझे याद आएगी बता दूंगा मैं। नहीं ये रानी लक्ष्मीबाई के बारे में ये किसने लिखी थी कविता, सुमित्रा कुमारी, सुभद्रा कुमारी चौहान ने, ठीक है, कहा तो था कुछ, मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन कहा था कुछ, कुछ तो कहा था। हाँ चलो, रणजीत सागर बांध अवस्थित है, कौन सी नदी पर है ये, अरे रावी नदी पर है, कौन सी नदी पर, रणजीत सागर बांध अवस्थित है भाई, अरे कौन सी नदी पर है भाई, रावी नदी पर है। राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ, राणा प्रताप सागर बांध, प्रताप सागर, इसका मतलब ये राजस्थान से रिलेटेड हो सकता है भाई, अगर तुम तुक्का मारना चाहो तो मार सकते हो, कौन सी नदी पर है, है हाँ महाराणा प्रताप से संबंधित हो सकता, तो लिखा हुआ राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ था, चंबल नदी पर, किस नदी पर हुआ था, चंबल नदी पर। अरे क्लियर है, याद है पक्का, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है, राणा प्रताप सागर अभी अभी हमने पढ़ा है, कौन सा है, राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर। लोअर भवानी बांध किस राज्य में स्थित है, लोअर भवानी राजस्थान में है, ये तमिलनाडु में है भाई, ये कौन से राज्य में स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है, तमिलनाडु। पहले जब
में शायद पांचवी छठी क्लास में था ना, तब ये तमिलनाडु से संबंधित है ना कुछ टॉपिक थे, तो एक मैडम जी थे हमारे शारदा मैडम नाम के, वो पहले क्या पढ़ते थे टीचर स्कूल में ऐसे किताब पढ़ते थे खुद, और हम वहां वहां पेन घुमाते रहते थे, करवाते थे ना ऐसे, तुम भी वैसे ही पढ़े हो मुझे पता है, अंडरलाइन मतलब अपन की भाई वो पूछते थे फिर बता मैं कहाँ पढ़ रही हूँ, तो मैडम जी क्या बार बार तमिलनाडु तमिलनाडु पढ़ते थे, मैं फंस जाता था क्यों तमिलनाडु बहुत बार आ गया, मैं सोचा ये कोई लाडू है जिसको तमिल बोला जाता है, बाद में पता चला ये तो राज्य है, छठी सातवीं अब मैं आदमी तो क्रिएटिव दिमाग ही लगाता है फिर, मैं सोचा ये कोई लाडू ही है भाई, बाद में पता चला ये तो तमिलनाडु है, ये एक राज्य का नाम है, क्योंकि हम तो राजस्थान को मानते थे राज्य, बाकी तो किसी को राज्य मानते नहीं थे, बाकी तो हमारी नजर में तो कोई राज्य था नहीं, हमको तो कोई पूछता था भाई कौन सा राज्य, बोला राजस्थान है, और देश में भारत को कहा भाई भारत हमारा देश है, क्योंकि वो सुबह सुबह बोलते हैं ना प्रतिज्ञा में संपूर्ण भारतीय मेरे भाई बहन है, हाँ इसमें बहुत बड़ा सस्पेंस बना हुआ, संपूर्ण भारतीय मेरे भाई बहन है, हाँ तुम्हारे बेटे मन में आती होगी बोला सभी भाई बहन है तो फिर पति पत्नी कौन है ना, तो बेटे कुछ चालाक होते थे बोलते थे एक को छोड़कर संपूर्ण भारतीय मेरे भाई बहन है, और कोई ज्यादा चालाक होते बोलते पांच सात को छोड़कर सभी भाई सबको अपना अपना पता होता है ठीक है, और कई बोलते थे कि भाई जो मुझे ना मिले उनके अलावा संपूर्ण भारतीय मेरे भाई बहन है, मिल जाए वो भारतीय भाई बहन नहीं है, कई बोलते थे संपूर्ण भारतीय भाई है बहनों का मुझे पता नहीं, ये मतलब बहुत बड़ा जिसने भी लिखा भाई इसमें थोड़ा एडिटिंग कराओ भाई, बात तो सही है बात भी सही है, ऐसी बात नहीं है जो तुम सोच रहे हो सही है, जो संपूर्ण भारतीय भाई बहन है तो फिर पत्नी कौन होगी, शादी कैसी होगी, जनसंख्या बढ़ेगी कैसे देश की है, देश आगे कैसे बढ़ेगा, वैसे तो ज्यादा आगे बढ़ गया, वैसे तो भाई बहन ही ठीक है चाइना से तो आगे बढ़ गया, आप किसी आगे बढ़ेंगे है? जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ती जा रही है मुझे लग रहा है कि चाइना आ जाएगा हमारे से पांच छठवें नंबर पर, ऊपर के जो पांच सात लिस्ट है ना उसमें आने वाले टाइम में एक भारत 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 सात नामों तक भारत कब्जा कर लेगा, बोला सबसे ज्यादा जन्मदिन बोला भारत में, सबसे ज्यादा जनसंख्या बोले भारत में, सबसे ज्यादा बोला लड़के बोले भारत में, सबसे ज्यादा लड़कियां बोले भारत में, बोला सबसे ज्यादा वरद बोले भारत में, बोला जवान भारत में, बोला सब भारत में भारत में है, हाँ फिर बाद में करेंगे मोए 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 फिर इंस्टाग्राम पे बनाएंगे सब रील, अभी एक दिन पता नहीं कौन वो डाटा बता रहा बोला कि सबसे ज्यादा जो ये इंटरनेट का यूज भारत में हो रहा है, अरे भारत में हो रहा भाई इंटरनेट का यूज हो रहा है इसमें कोई संदेह नहीं है, इतनी जनसंख्या है अगर एक एक एमबी भी खर्च करे तो भी कितनी हो गई, अब इंग्लैंड में बेचारे ऑस्ट्रेलिया इतना छोटे छोटे देश है वहां कितनी नेट खर्च हो जाएगी है? और हमारे तो इतने जुगाड़ है नेट नहीं पकड़े खेजड़ी के ऊपर चले जाते हैं, पर खत्म करेंगे एक जीबी मिली है उसको पूरी, कई तो काउंटिंग में चलाते हैं कि अभी 290 एमबी बची है तो इसको बोला शाम को 7 से 9 के बीच में खर्च करेंगे ठीक है, मतलब नेटवर्क कितनी प्रॉब्लम कर ले लेकिन 1 जीबी खत्म करके छोड़ेंगे हम, और लास्ट ये हो जाएगा यार खत्म नहीं हो रही तो खेजड़ी के ऊपर फोन रख के आ जाएंगे, अरे गाने बजने दो भाई, हाँ जब गाना बजता फिर वो मोए मोए अटक जाएगा ना, अब सोच लो बिगे बगे बिलिया ये गाना आया था बिगो बगे बिलिया था इसका कोई मतलब नहीं था, हाँ काका का भाई इसका कुछ पता ही नहीं चला, ये तो कटप्पा रही है कि बिगो बगे बिलिया था की करेगा ठीक है, इतना चला ये गाना मतलब ज्यादातर नेट इन्होंने खर्च किए, तो हाँ चलो मुल्ला पेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों के मध्य है, मुल्ला पेरियार बांध का झगड़ा किस राज्यों के मध्य है भाई, तमिलनाडु और मुल्ला पेरियार बांध का झगड़ा किन दो राज्यों के मध्य है, मुल्ला पेरियार बांध किन किन के मध्य लाड लो, शारदा बांध किस नदी पर है, किसकी अच्छा सॉरी किसकी देन है, शारदा बांध किसकी देन है भाई, भारत नेपाल सहयोग परियोजना की देन है, किसकी देन है ज्योति जी, हाँ भारत नेपाल
सहयोग परियोजना की देना भाई। चिनाई बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? चिनाई बांध का निर्माण महानदी, अभी भी हमने पढ़ा था ऊपर, इतना भी याद नहीं है। चिनाई बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ भाई? कौन सी नदी पर है? कौन सी नदी पर है? रंजीत सागर है? नहीं 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 नहीं, तो फिर या तो चिनाई नहीं होगा। एक मिनट रुको 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 भाई, नहीं नहीं महानदी नहीं लिखाया होगा लाडले। कितने नंबर पे लिखाया है ये देखो। एक तो ये रहा, हीराकुंड बांध कहां पर है? नहीं भाई है? देखो ये आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी पर है। ये सबसे विशाल चिनाई बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? कृष्णा। और यहां पर क्या आया है? यहां पर क्या आया भाई अभी लास्ट में? ये तो कृष्णा। और चिनाई बांध का निर्माण किस नदी पर? वो सबसे विशाल चिनाई बांध है, उसका फर्क हो सकता है वहां पर भी। वो सबसे विशाल चिनाई बांध का निर्माण किस पे हुआ? और ये सिर्फ चिनाई बांध है, ये महानदी पर है। रणजीत सागर बांध किस नदी पर है? रणजीत सागर बांध किस नदी पर है? इसके पीछे कौन छुप रखा है कान में उंगली डाल के? निजाम सागर बांध भारत के किस राज्य व किस नदी पर स्थित है? निजाम सागर बांध भारत के किस राज्य और किस नदी पर स्थित है भाई? तेलंगाना राज्य में मंजीरा नदी पर। किस राज्य में है? अरे किस राज्य में है? और कौन सी नदी पर है? आवाज नहीं आई। कौन सी नदी पर है? कौन सा बांध? निजाम सागर बांध। कौन सा बांध? निजाम सागर बांध। भारत की आजादी के बाद आरंभ की गई पहली बड़ी बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? हीराकुंड। और ये कहां पर? हीराकुंड उड़ीसा में। कहां पर है? उड़ीसा। उड़ीसा, अच्छा ओ वाला उड़ीसा। ओके ओके भाई लो, अब ठीक है? अब ठीक नहीं है तो मैं क्या करूं? वहां कौन सा लिखना है अपने को? तो टिक लगाना है, लिखा तुम्हारा रहता है, है? तो कितनी अच्छी किस्मत होती है तुम्हारे को आंसर वहां लिखे रहते, बस पहचानने की जरूरत है कि भाई ये आंसर है, बाकी लिखे तो है वहां, समझ गए? बस पहचानना है कि भाई इनमें से कौन सा। भारत की आजादी के बाद आरंभ की गई पहली बड़ी बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है भाई? हीराकुंड बांध। किस नदी पर माता टीला बांध स्थित है? किस नदी पर माता टीला बांध स्थित है? यह आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना एग्जाम में। बेतवा नदी पर? पक्का सही निकल गया भाई। बताओ देखिए, माता टीला बांध किस नदी पर है? जोर से बोलो, बेतवा नदी पर। पोंग बांध किस नदी पर है? अभी अभी आया था, व्यास नदी पर। कौन सी नदी पर है? पोंग बांध। कौन सी नदी पर है? कौन सी नदी पर है? व्यास नदी पर। और कल हम पढ़ेंगे नदियों के उद्गम स्थान, ठीक है? कल क्या पढ़ेंगे? नदियों के उद्गम स्थान। बताओ गोसुंडा बांध, गोसुंडा बांध किस नदी पर स्थित है? गोसुंडा बांध किस नदी पर स्थित है लाडलो? बेड़स नदी चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? अरे तेरे को पता नहीं थे आशीष चित्तौड़गढ़ वाले? पता तो बताया क्यों नहीं फिर? अच्छा तू तो बोल रहा था कि मैं
ढूंढने में जमाने में जब पता निकला, पता चला कि गलत लेके हमें पता निकला बेटा, फंसा रहेगी एक बात है। हाँ महाराणा प्रताप वाले में भी बताया था तूने, ये तो बताएगा चित्तौड़गढ़ वाले, तो गोसुंडा बांध बेड़स नदी पर कहां पर है वो गाना ऐसा है कि मैं ढूंढने को जमाने में वफा निकला, वफा का मतलब लोयल है ना। हाँ पहले, अरे पहले किसी को बोल देते थे ना इसे डार्लिंग, तो ये सोचते पता नहीं क्या ही बोल दिया, बाद में मैं जब बड़ा हुआ बाद में पता चला डार्लिंग का मतलब होता है प्रिय है, है ना। डार्लिंग का मतलब क्या होता है? प्रिय होता है। पहले ऐसे माहौल बन रखा था, बोला कोई डार्लिंग बोल दिया बोला उसको, अरे अरे भाई डार्लिंग, तो मतलब माहौल बन जाता, ओ बोला इसने डार्लिंग बोल दिया। अब समझ में आया कि डार्लिंग का मतलब तो छोटा सा एक होता है प्रिय, समझ गए बात को? अरे पक्का प्रिय होता है ना, मेरे को अभी भी पूरा पता नहीं है पर मेरे ख्याल से प्रिय होता है भाई, उसके भाव तो प्रिय होते हैं, मान लो अर्थ और भी कुछ निकल सकता है लेकिन भाव तो प्रिय वाले होते हैं। प्लीज प्लीज ये नहीं तो क्या रिक्वेस्ट होता है, कृपया होता कृपया है। अपने यहां जैसे अभी छींक देते हैं तो उसके बेचारे को बोलना पड़ता है सॉरी, है ना, बोलते हैं ना, जबकि बाहर की दुनिया में ऐसा होता है कोई छींकता है तो बाकी सब उसको बोलते हैं गॉड ब्लेस यू, क्योंकि जो छींक है एक प्राकृतिक चीज है, आप कोई जबरदस्ती तो छींक नहीं रहे जो माफी मांग रहे हैं, आपको छींक आ गई है यानी थोड़ी सी तकलीफ हुई है आपको, तो बाकी सब बोलते हैं गॉड ब्लेस यू भाई, पास पास वाले नहीं, अपने एक पंगा, अपने एक पंगा भी है ना, जैसे गांव में भी कोई आदमी पुराना आदमी तो छींकेगा तो उसका मजा लेगा पूरा, ऐसे नाक चढ़ा के छींक, तो आगे 7-8 फीट तक जाएगी उसकी छींक तो उसको तो सॉरी बोल लेना चाहिए पता चले कि 3-4 उसकी छींक से मर गए हो ये तो कोरोना में ऐसा हुआ कि ऐसे छींकने लगे लोग ऐसे अच्छी है, ये तो कोरोना में हुआ है ऐसे लोग ऐसे अच्छी, नहीं तो पूरा बुलडोज लेके ऐसे भचीर पाड़ते थे गांव में है? फिर लोगों ने बोला इससे कोरोना फैल रहा है तब जाके रुके, मतलब देखो कोई बीमारी भी अपने को एक चीज तो सिखा गई भाई, छींकना तो ऐसे करके छींक लो ठीक है, अब तुम ऐसे मत कर लेना कहीं नहाए नहीं महीने भर से बेहोश हो जाएगा फिर कई हो गए महीने महीने नहाए हुए जबकि अभी ठंड इतनी आई नहीं है। हाँ ओके चलो भाई, बांकली बांध किस नदी पर बनाया गया है? बांकली बांध किस नदी पर बनाया गया लाडले? सूखड़ी नदी पर, नाम भी बांकली और नदी भी सूखड़ी, देखो क्या कॉम्बिनेशन हुआ भाई, ऊपर वाले घर में देर है देर नहीं, बांकली और सूखड़ी नदी पर है? पहले गांव में नाम होते थे ना रमकुड़ी झमकुड़ी, वैसा हो गया तुम। कडाना बांध कहां स्थित है? महानदी पर गुजरात में, अच्छा सॉरी माही नदी पर गुजरात में। कडाना बांध कहां स्थित है भाई? अरे बोलो कडाना बांध कहां स्थित है? माही नदी पर। कहां पर है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सरदार सरोवर बांध। ये कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर। भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध कौन सा भाई? भारत और कौन से देश सप्तकोसी उच्च बांध परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं? बताओ देखिए कौन सा देश है? और नेपाल बॉर्डर पर जो ड्यूटी करती है फोर्स वो कौन सी है? एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, ये कहां ड्यूटी करती है? भारत नेपाल बॉर्डर पर ड्यूटी करती है। लड़कियों के लिए फोर्स बहुत अच्छी है, वैसे तो लड़कों के लिए भी ठीक ही है, जो लड़कियों के लिए अच्छी है लड़कों के लिए तो ठीक है ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर लड़के तो ऐसा है कि कहीं पे भी, असम राइफल भी ठीक है लड़कों के लिए कुछ कहीं पे भी रह लेंगे लड़के। आसमान बांध किस नदी पर बना हुआ है? आसमान नहीं, आसवान बांध किस नदी पर बना हुआ है? नील नदी पर। किस नदी पर भाई? नील नदी पर। अब अपन
झड़ाझड़ कर ले एक रिवीजन भाई, लगातार एक रिवीजन कर ले पक्का। आप सामने इधर, मैं क्वेश्चन बोलूंगा तुमको आंसर बोलते रहना लगातार, ठीक है। ए गर्दन सामने, पहला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? टिहरी बांध। टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? भागीरथी नदी पर। कौन सी नदी पर? भागीरथी नदी पर कौन सा बांध बनाया हुआ है? टिहरी बांध बना हुआ है। कौन सा बांध? टिहरी बांध किसके संगम पर स्थित है? किसके संगम पर? भागीरथी है वे? भागीरथी है वे? किस नदी पर काटेश्वर बांध निर्मित है? भागीरथी नदी पर। किस नदी पर काटेश्वर बांध निर्मित है? कौन सी नदी पर है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? कौन सी नदी पर है? ये तो छोड़ो। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है भाई? पक्का? निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है? गांधी सागर। तो गांधी सागर बांध कौन सी नदी पर है? कौन सी नदी पर है? ऐसे ही ठोक रहे हो। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। कौन सी नदी पर है? कौन सी नदी पर है? नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? कौन से राज्य में? कौन से राज्य में? अलमाटी बांध किस नदी पर है? किस नदी पर है? किस नदी पर है? सबसे विशाल चिनाई बांध किस नदी पर है? कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध निर्मित किया गया है? श्री सेलम बांध। कृष्णा नदी पर चार बांध है टोटल, कौन सा? पहला नागार्जुन, कौन सा? दूसरा अलमाटी, तीसरा चिनाई और चौथा श्री सेलम बांध। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। ये कहां पर है? ओडिशा में। कहां पर है वो हीराकुंड बांध? कौन सी नदी पर है? कौन सी नदी पर है? निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत टिक्करपारा और नरोज बांधों का निर्माण हुआ? कौन सी नदी पर है? निम्नलिखित में से कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? बांगड़ा बांध। कौन सा बांध है? ध्यान रखना, कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? कौन सा है? कौन सा है? बांगड़ा नागल बांध किस नदी पर बनवाया गया है? कौन सी नदी पर है? और कहां पर है ये? कहां पर है? पोंग बांध का निर्माण निम्न से किस नदी पर हुआ है? व्यास नदी पर। कौन सी नदी पर है? कौन सा बांध है? कौन सा बांध है? बाण सागर बांध। कौन सी नदी पर है? कौन सी नदी पर है? मेजा बांध है। मेजा बांध है। पक्का? कालागढ़ बांध किस नदी पर है? कौन सी नदी पर है? निम्नलिखित बांधों में से एक सिंचाई के लिए नहीं है, शिव समुद्रम नहीं है भाई। गोविंद वल्लभ सागर बांध। गोविंद वल्लभ सागर बांध कौन सा प्रदेश? उत्तर प्रदेश। उन दो राज्यों के नाम बताएं जिन्होंने किसाऊ बांध परियोजना पर हस्ताक्षर किए। किसाऊ बांध परियोजना पर हस्ताक्षर किए उत्तराखंड और फरका बैराज का निर्माण हुगली नदी में पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखने के लिए हुआ है। तेलिया बांध कौन सी नदी पर है? कौन सी नदी पर है? बड़ाकर नदी पर। मेथोन बेल पहाड़ी एवं तेलिया बांध किस नदी पर है? बड़ाकर। दामोदर घाटी नीति निगम परियोजना कौन से बांध शामिल है? मेथोन और पंचेट। निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बेतवा नदी पर बनाया गया है? राजघाट। कौन सा? रानी लक्ष्मीबाई बांध स्थित है बेतवा नदी पर। कौन सी नदी पर? रणजीत सागर। रणजीत सागर।
राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ? चंबल नदी पर। कौन सी नदी पर? राणा प्रताप सागर बांध कौन सी नदी पर? निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? राणा प्रताप सागर बांध। ओलर भवानी बांध कहां स्थित है? ओलर भवानी बांध मुल्ला पेरियार बांध। मुल्ला पेरियार बांध का जो झगड़ा है वो किन राज्यों के मध्य है? तमिलनाडु। और जगह तेरे पड़ोसी को, कमांडो तेरे पीछे वाले को। शारदा बांध किसकी देन है? भारत नेपाल सहयोग परियोजना की। भारत नेपाल। चिनाई बांध का निर्माण है? महानदी। रणजीत सागर बांध किस नदी पर है? कौन सी नदी पर है? रावी नदी पर। निजाम सागर बांध का निर्माण है? तेलंगाना राज्य में मंजीरा नदी पर। भारत की आजादी के बाद आरंभ की गई पहली बड़ी उद्देश्यीय नदी घाटी परियोजना हीराकुंड बांध, और ये कहां पर है? किस नदी पर माता टिल्ला बांध है? बेतवा नदी पर। कौन सी नदी पर है? पोंग बांध, गोसुंडा बांध, बेतसर चित्तौड़गढ़, बांकली बांध। बांकली सुखड़ी भी बताया था तुमको। कौन सी नदी पर है? कडाना बांध कहां स्थित है? कहां स्थित है? महानदी पर। कहां पर है? गुजरात में। भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सरदार सरोवर बांध। भारत और कौन से देश सप्तकोसी उच्च बांध परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं? नेपाल। आसवान बांध किस नदी पर बना है? कौन सी नदी पर है? तो आज के लिए इतना ही, कल पढ़ेंगे नदियों के उद्गम।